एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा डिवीजन मेथड, जो कि बहुत पॉपुलर मेथड है। इस मेथड में क्या करना है, इनको एक साथ लिखना है और अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर। सर्वप्रथम हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का 2 में डिवाइड किया 1 मिल गया, 2 का 4 में डिवाइड किया कितना 2 मिल गया, फिर 2 का 2 में डिवाइड किया 1 मिल गया, हमारा एलसीएम क्या बन गया, ये जो फैक्टर है इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये आपका डिवीजन मेथड है। देखिए एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, छोटे से छोटा ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्या से विभाज्य रहता है। यानी ये जो 4 आया ये आपका 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य, और ये छोटे से छोटा नंबर है। ठीक है, धन्यवाद। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना डिवीजन मेथड काम में लेंगे। डिवीजन मेथड में क्या करना है, इसको एक साथ लिखना है और अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर। सर्वप्रथम हम अपना 2 से डिवाइड चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या रहेगा, यहाँ पर खुद से ही डिविजिबल रहेगा। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक तो किससे डिविजिबल रहता है, 1 से, और एक आपका खुद से डिविजिबल रहता है। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 से ही डिविजिबल रहेगा, तो यहाँ पर 3 में 3 का डिवाइड किया 1 मिल गया, 5 डिविजिबल नहीं है तो इसको आगे लिख दिया, फिर अगेन 5 में 5 का डिवाइड 1 मिल गया। देखिए आगे बढ़ जाएंगे, 3 का कंप्लीट हुआ तो हम 5 के पास चलेंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, ये जो फैक्टर है इनका मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 15, ये आपका एलसीएम आ गया। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लो, जब भी आपको प्राइम नंबर दिखे और वो अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको क्या देगा, एलसीएम, और उनका एचसीएफ कितना रहेगा, 1 रहेगा। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे आपका डिवीजन मेथड से। किसका निकालेंगे, 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, तो हम इनको दोनों को एक साथ लिख देंगे। देखिए दूसरा मेथड आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, लेकिन हम यहाँ पर डिवीजन मेथड का मिलेंगे क्योंकि ये बहुत पॉपुलर मेथड है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अपने प्राइम नंबर्स चाहिए। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर, जो कि आपको पता होने चाहिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 18 में 2 का डिवाइड किया कितना, 9 मिल गया, 24 में किया कितना, 12 मिल गया, फिर 2 का डिवाइड हो रहा है 12 में 6 बार, हमने चेक किया तो 9 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है तो इसको जैसा है वैसे आगे लिख देंगे, फिर 2 का डिवाइड किया 6 में 3 बार चला गया, 9 आपका डिविजिबल नहीं है तो इसको जैसा है वैसे आगे लिख दें। ये ध्यान रखें, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेंसिबल 0 आना चाहिए। जैसे हम 9 में देखते हैं, 2 का डिवाइड किया 4 आ गया, 8 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, सेंसिबल 0 नहीं है, यानी आपका ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे 6 में 2 का डिवाइड करेंगे आपके पास सेंसिबल 0 आएगा, यानी 6 आपका 2 से डिविजिबल है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखिए हम आगे जाएंगे किसके पास, 3 के पास, 3 का डिवाइड किया 9 में 3 मिल गया, 3 में 1 बार, 3 का डिवाइड किया 3 में हमें 1 मिल गया। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या बन गया, ये जो फैक्टर है इनके गुणा करने, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 आपका 2 बार आ रहा है, गुणा किया कितना आ गया, 72। तो इस तरीके से आप एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताओ, अगली वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं। एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। यहाँ पर हमारा अपना डिवीजन मेथड रहेगा, बिल्कुल इजी मेथड है। देखिए क्या करना है, हमें अपने प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना रहेगा। डिवाइड करने का तरीका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको अपने प्राइम नंबर पता होने चाहिए। ये है आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर, तो सर्वप्रथम अपन 2 से डिवाइड करेंगे।
देखिए दोस्तों, जब आप 18 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 9। इसको यहाँ नीचे लिखना है। जब आप 24 में 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है? 12। वो इसके नीचे लिखना है। फिर देखिए, 2 का डिवाइड 12 में 6 बार, 9 में आपका डिवाइड चेक किया, डिवाइड नहीं हुआ, यानी 9 आपका 2 से डिविजिबल नहीं। डिवाइड नहीं होने का मतलब क्या है? जब हमने 9 में 2 का डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ ना कुछ सेंस फल आ रहा है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें सेंस फल 0 आना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या रहता है? डिविजिबल रहता है। तो नहीं आ रहा तो उसको जैसा वैसा आगे लिख दिया। फिर 2 का डिवाइड किया 6 में 3 बार, 9 जैसा वैसा आगे लिख दिया। अब देखिए, ना 2 का डिवाइड इसमें हो रहा है ना इसमें, तो हम क्या आ जाएंगे? आगे 3 के पास। 3 का डिवाइड किया 9 में 3 बार, 3 में 1 बार। 3 का डिवाइड किया 3 में 1 बार। हमारा क्या चाहिए? एलसीएम, ये जो फैक्टर है इनका गुणा करना है। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, और 3 आपका 2 बार, गुणा कर देते हैं। देखिए कितना आ गया? 72। हेलो नमस्कार, अभी स्टूडियो में एलसीएम ऑफ 40, 48, 45 कैसे फाइंड करें, अभी हम सीखेंगे। यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा डिवीजन मेथड। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, इनको एक साथ लिखना है और अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। सर्वप्रथम दोस्तों, हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ देख लेते हैं साइड में। 40 में 2 का डिवाइड किया कितना आएगा? 20 आएगा। यदि आपको डिवाइड ऐसे डायरेक्ट करने में तकलीफ है तो आप स्टेप बाई स्टेप डिवाइड कर भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करना सीखिए। कितना आ रहा है? 20। सिमिलरली हम 48 में 2 का डिवाइड किया कितना मिल गया? 24 मिल गया। देखिए 45 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए, मैं अपना कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाने के लिए एक ऐसा नियम बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। यदि किसी नंबर का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे नंबर आपके 2 से डिविजिबल रहता है, ठीक है। इसका इकाई अंक 5 है, इनमें से नहीं, मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको हम जैसा है वैसा आगे लिख देंगे। फिर हम 2 का डिवाइड करें, 20 में कितना आ गया? 10। 24 में किया कितना आ गया? 12। और यहाँ पे 45, फिर आपका 2 से डिविजिबल नहीं, इसको जैसा है वैसा हमने आगे लिख दिया। फिर हम 2 का डिवाइड करें, 10 में कितना? 5 मिल गया, और 12 में 6 मिल गया, 45 फिर आपका आगे लिखना पड़ा। फिर 2 का डिवाइड हो रहा है 6 में 3 बार, 5 आप देख सकते हैं प्राइम नंबर है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? खुद से और 1 से डिविजिबल रहता है, अन्य नंबर से वो डिविजिबल नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर 5 है तो 5 में 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। 45 फिर जैसा है वैसा आगे लिख दिया। अब देखिए 3 का, यहाँ पर अब किसी में भी आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम किसके पास जाएंगे? 3 के पास जाएंगे, 3 का डिवाइड देखेंगे। 3 में 3 का डिवाइड 1 बार, 45 में 15 बार, और 5 जैसा है वैसा आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम 3 का डिवाइड करें, 15 में 5 बार, और यहाँ 1 है और ये 5 जैसा है वैसा आगे। फिर 5 में 5 का डिवाइड 1 बार, यहाँ 1 है, यहाँ 5 में 5 का डिवाइड 1 बार। अब हमारा एलसीएम क्या बन गया? ये जो फैक्टर है इनका मल्टीप्लाई। 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4। 2 आपका 4 बार आ रहा है, 3 आपका 2 बार आ रहा है, 5 आपका 1 बार आ रहा है। कितना आ गया? 720। हेलो नमस्कार, अभी स्टूडियो में हम एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। तो हमारा यहाँ पर डिविजन मेथड रहेगा। इस मेथड में करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, इनको इस प्रकार से एक साथ लिखना है और अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन से हैं? ये 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे साइड में डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं कितना आएगा। 8 में 2 का डिवाइड किया 4 आ गया, 12 में 2 का डिवाइड किया 6 आ गया। फिर 2 का डिवाइड हो रहा है 4 में 2 बार, 6 में 3 बार। 2 का डिवाइड किया 2 में 1 बार, और 3 में 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, जिसमें नहीं हो रहा उसको आगे लिख देना है।
फिर 3 में 3 का डिवाइड किया एक बार, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या बन गया, ये जो फैक्टर आए हैं इनका मल्टीप्लाई, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार 3 आपका, एक बार गुणा किया कितना आ गया, 24। हेलो नमस्कार, अभी स्टूडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे बिल्कुल इजी मेथड से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इस मेथड में क्या करना है, गिवन नंबर के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर हैं। सर्वप्रथम हम इसको अपना 2 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, 202, फिर इसको 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 101। अब देखिए 101 में चेक करना है क्या ये आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है चलिए चेक करते हैं। देखिए क्या ये 101 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक क्या है, प्राइम नंबर है 101। कितना, एक बार, इसमें 2 का डिवाइड किया कितनी बार चला गया, 4 बार और 8 बार, फिर इसमें 2 का डिवाइड किया 2 बार 4 बार, फिर 2 का डिवाइड किया 12 बार, 12 में 2 का डिवाइड 6 बार, 6 में 2 का डिवाइड 3 बार, 3 में 3 का डिवाइड 1 बार, तो यहाँ पर 404 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 2 और गुणा 101। 96 के हम फैक्टर देखें तो हमारे पास क्या आ गए, ये 96 के फैक्टर आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच बार, और 3 आपका एक बार आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, HCF एंड LCM निकालना है। अब देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो यहां भी हो दोनों उसको लेना है। LCM का फुल फॉर्म से हमें यहां पर कोई मतलब नहीं है, बस LCM में आपको क्या याद रखना है कि इसमें सभी फैक्टर लेने हैं। और देखिए 2, 2 कितना आ गया, 4। अब इसमें क्या करना है, सभी फैक्टर लेने, यानी पहले हम अपने कॉमन फैक्टर ले लेंगे, 2 और 2 कॉमन फैक्टर आ गए। अब उसके बाद पीछे बचे हुए फैक्टर, कौन बचा हुआ है, 101, यहाँ कौन बचे हुए हैं, 2 आपका 3 बार और 3 आपका 1 बार। अब इन हम सब का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है LCM कितना, 9696। ओके, तो इस तरीके से हमने अपने HCF एंड LCM फाइंड किए हैं।